नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, मैं हूं प्रिया राजपूत। एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। ये खबर ये है कि देशद्रोही और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने अब नए कदम उठाए हैं, जिसमें कि जो भी इन मुकदमों में पाया गया, यानी जिसने कहीं पत्थरबाजी की होगी या फिर वो किसी आतंकी गतिविधि में पाया होगा या फिर उसने कोई देशद्रोही का कुछ ऐसा काम किया होगा, उसको ना ही अब सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही पासपोर्ट मिलेगा, यानी वो बाहर भी नहीं जा सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की और देशद्रोही की घटना जो है वो बढ़ रही थी, इसलिए सरकार ने फैसला लेते हुए अब उन पर नकेल कसने के लिए ऐसा प्रयास किया है। अगर कोई भी इंसान पत्थरबाजी या देशद्रोह में शामिल पाएगा, यानी वो उनमें कोई ऐसी गतिविधि में शामिल होगा, तो उसको ना ही पासपोर्ट मिलेगा और ना ही वो किसी सरकारी नौकरी का कोई कह सकते हैं नौकरी नहीं मिलेगा। अगर वो नौकरी उसके पास होगी पहले से, यानी अगर वो जॉब कर रहा होगा, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और जो पासपोर्ट है उसको भी जो है निष्कासित कर दिया जाएगा। आपको बता देंगे कि पत्थरबाजी और राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा की पैदा करने के लिए ऐसे तमाम प्रयास किए गए हैं और पासपोर्ट की मंजूरी पर रोक लगाना सरकारी नौकरी को कोई प्रावधान नहीं देगा। यानी इस आदेश में जो साफ तौर पे कहा गया है कि कार्रवाई होगी जो कि देशद्रोही या फिर पत्थरराव करते हुए जो है इंसान पकड़ा जाएगा। और इसी के संबंध में ये नोटिस जो है वो अभी फिलहाल कुछ देर पहले ही आज आया है, ये आज नोटिस आया जिसमें साफ तौर पर जितने भी जो पत्थरबाजी करते हुए पाए जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसने कोई देशद्रोह के काम किया होगा, तो अब उन लोगों पर नकेल कसने के लिए उनको ना ही सरकारी नौकरी मिलने वाली है और पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि पासपोर्ट या सरकारी सेवा के लिए वो चुपचाप करके कह सकते हैं कि अगर उसने किया होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार, चाहे वो कुछ दिन पहले ही अगर देखा जाए, तो कम से कम 18 जो लोग थे वो सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए गए थे, क्योंकि वो भी देशद्रोही की घटना में शामिल थे। उससे पहले भी अगर देखें तो ऐसे नेता जो कि आतंकी कह सकते हैं गतिविधियों में और टेरर फंडिंग में पाए गए थे, उन पर भी मुकदमा चल रहा है, चाहे वो NIA की बात करें या CID की बात करें, तमाम ऐसी एजेंसीज हैं सुरक्षा की जो कार्रवाई कर रही हैं। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि डिजिटल साक्षर पुलिस रिकॉर्ड का भी ध्यान रखा जाएगा। ये कब रखा जाएगा? जब कोई जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, जम्मू कश्मीर की सिविल सेवा, यानी कोई अगर कॉम्पिटिटिव या फिर कुछ इस तरह की जॉब करेगा या फिर उसके लिए प्रिपरेशन करेगा, तो अब सरकारी नौकरी पाने के लिए भी संशोधन CID जो है वो पहले आपको देगा कि इसका कोई जो रिकॉर्ड है वो सही है, यानी इसका कोई आतंकी गतिविधियों में ये शामिल नहीं है और इसने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया है, वो क्लियरेंस चाहिए होगी CID रिपोर्ट के, उसके बाद ही जो है जो कह सकते हैं इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो पाएगी। और नए संशोधन के अनुसार सेवारत कर्मचारियों को CID से फिर से सत्यापन की आवश्यकता के मामले में नियुक्ति की तारीख से किसी भी पोस्टिंग और पदोन्नति का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। ये फिलहाल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें ये कहा गया है कि जो CID है उससे पूरा विवरण लेना पड़ेगा कि इस इंसान का कोई पहले से कोई रिकॉर्ड है या नहीं है, इसने कहीं क्राइम किया है या फिर देशद्रोह की घटना में शामिल है। तो साफ तौर पे अगर पूरा नोटिस हम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं, बस इतना ही है कि अगर कोई भी इंसान कोई पत्थरबाजी करता हुआ पकड़ा गया, चाहे वो सरकारी नौकरी करता होगा तब भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, या फिर उसका जो पासपोर्ट होगा वो पासपोर्ट जो है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और जिसने कहीं पहले से किया होगा, अगर वो फ्यूचर में कभी फॉरेन कंट्री जाना चाहता होगा, तो उसको भी वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा। तो साफ तौर पे ये नोटिस में मुख्य तौर पे बस यही दो चीज़ें लिखी गई हैं। अब आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इस चीज़ पर क्या लगता है। जो नया नोटिस आया है उसमें साफ तौर पर जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें कितना बदलाव हो सकता है जो आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। चलिए, आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। रहमान भट्ट ने हेलो लिखा है, इसी के साथ रमीज राजा ने भी लिखा हुआ है, इंशाल्लाह लिखा है, और रहमत भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद सलाफी भी लिख रहे हैं, एग्ज़ाम कब है 12th के, तो फिलहाल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इरफान शाह ने हेलो लिखा है, आसिम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, और अर्श नवाज मलिक भी लिख रहे हैं कि कश्मीर में सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और इरफान शाह गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, तो फिलहाल अभी तो गुड आफ्टरनून है। और वन पोस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर आशिक जुड़े हुए हैं, और नज़ीर खान हमारे साथ जुड़े हैं, मीर अफ्तान भी अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, मुन्ना अर्शी भी लिख रहे हैं कि कश्मीर में जॉब नहीं है, आसी मंजूर कौन सी जॉब ही लिख रहे हैं, आसी मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इरफान शाह गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग गुड मॉर्निंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समय जो हो चुका है, मुझे समय देखने दीजिए एक बार, पहले मैं समय देख लेती हूँ कि समय क्या हुआ है अभी।
फिलहाल देख सकते हैं कि ये समय हुआ है, यानी 1:55 हुए हैं और फिलहाल अभी भी जो लोग हैं वो ये लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। तो आप ज़रूर बताइएगा कि गुड मॉर्निंग क्यों लिख रहे हैं आप लोग, क्या आप उठे नहीं है, अब मौसम इतना अच्छा है कि आप अभी सो के ही ये कमेंट लिख रहे हैं। और मुख्तियार चौधरी ये भी लिखे हैं, आसिफ दरवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग गुड मॉर्निंग अभी तक लिख रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स गुड मॉर्निंग के आ रहे हैं। तो आप थोड़ा समय देखिए, समय जो हो चुका है वो गुड मॉर्निंग का नहीं, गुड आफ्टरनून है। शाह फैजल भी हमारे साथ जुड़े हैं, इमरान नज़ीर लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब निकालो, जुनेद सलाम भी हमारे साथ हेलो लिख रहे हैं और इसी के साथ कश्मीर घाटी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इमरान नज़ीर फिर से गवर्नमेंट जॉब निकालो के लिए कमेंट करें। चौधरी कसम मंजूर भी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून और सोफी इकबाल हेलो है और गुड आफ्टरनून। आमिर भी लिख रहे हैं इसी के साथ। अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एजाज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सागर बिलाल हमारे साथ हैं और शहद सना नकजी हमारे साथ है, मंजूर अहमद हमारे साथ हैं, अदनान शाह भी हमारे साथ है, इमरान नज़ीर गवर्नमेंट जॉब निकालो लिख रहे हैं, फिर से अदनान शाह भी हवाले लिख रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रियाज अहमद हमारे साथ है, शौकत अहमद हमारे साथ हैं और इशफाक अहमद भी हमारे साथ हैं, इरफान शाह हमारे साथ है, जुनेद सलाम हमारे साथ है, दर शबीर हमारे साथ है, बिलाल बंद भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं हमारे साथ, वेद हुसैन हमारे साथ हैं और हरदा गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, सोफी मुजम्मिल हमारे साथ हैं। और ये पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए या फिर जो कह सकते हैं आपकी उन पे मुकदमा जो किया जाएगा, ये पासपोर्ट और जिन लोगों के पास पहले से नौकरी उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा और जो लोग फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते होंगे उनको नहीं मिलेगी। और शकील साहब भी हमारे साथ है, सोफी इकबाल हेलो लिख रहे हैं और रीज़ अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोन साहब भी हैं और मुश्तातिक राही भी हैं और अनीस चौधरी हैं, लोन यूनिस भी हमारे साथ मौजूद हैं और एजाज भट्ट भी है। चलिए हम थोड़ा सा एंगल थोड़ा बदल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम आपको चैनल का और भी एंगल दिखाते हैं। चलिए लोन भी हमारे साथ है, आमिर भी अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, और मीर साहब हैं, खुर्शीद मलिक हैं और सैद भी हैं, बशीर अहमद गुड आफ्टरनून है और खुनेद सलाम भी, कल स्कूल जाना है, अभी स्कूल जाने के लिए कोई अपडेट नहीं है। और समीर हमारे साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आशिक नबी भी हैं और हरदा मोहम्मद अहमद सदीकी हैं और एजाज भट्ट हैं, उमेद उस्मान खालू हैं और उस्मान खान भी हैं, अख्तर जावेद अहमद, बिलाल सोफ़ी हैं और पासपोर्ट कैंसिल करेंगे क्या शाहिर लिख रहे हैं, तो ये हाँ बिल्कुल उनका करेंगे जिन लोगों का कोई आतंकी गतिविधियों में ये पाए गए या पत्थरबाजी पकड़ते हुए पाए गए। इम्तियाज़ कंगन भी हमारे साथ है, मुश्ताक गनी हमारे साथ हैं, सैयद सना भी हमारे साथ हैं, गुड सीजन लिख रहे हैं और राहुल राज भी हमारे साथ हेलो हैं, वानी साहब भी जुड़े हैं, सैयद आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं और भी बहुत सारे जो लोग हैं लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, तो चलिए सबके कमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। और जुनेद सलाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यासीन भी हैं और शाहिद साहब भी हैं, दर नज़ीर हैं, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, इसी के साथ वारिस साहब भी हैं और समीर साहब हैं, सजाद बिल हैं हमारे साथ, शफी भी हैं, राशिद नबी हैं। ज़रूर बताइएगा कि जो ये साफ़ तौर पे एक नोटिस जहाँ पर सामने आ रहा है, जहाँ पर देशद्रोही और पत्थरबाजियों पर नकेल कसने के लिए उन्हें जो कदम उठाया है, जहाँ पर उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा और सरकारी जो नौकरी अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको वो भी नहीं मिलने वाली है, तो इस चीज़ पर आप क्या सोच रहे हैं जितने लोग जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आसिम मंजूर वानी भी हमारे साथ है और मुजफ्फर दर हैं, लोन साहब हैं और वो पूछ रहे हैं 10th का एग्ज़ाम कब होगा, फ़िलहाल उसके लिए कोई अपडेट नहीं है। महराज मंजूर हैं और जावेद अहमद दार हैं, इरशाद अहमद हैं, मुश्ताक राही हैं, शाहिद साहब हैं, गाजी अहमद भट्ट हैं, हुसैन सोफ़ी हैं, राशिद नबी हैं और फरीदा बटूल हैं, आशिक लाल हैं और दिलशाद अहमद हैं, जस्टिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर के बारे में बोल रहे हैं, तो बिल्कुल इसके बारे में भी हम बात करेंगे और जब भी इस बारे में बात होगी तो आप सब लोग उसमें भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वारिस अदनान भी हैं, वानी तारीफ हैं और वानी तारिक साहब हैं, शकील अहमद हैं, शाहिद साहब हैं, मेहरान चौधरी हैं, शौकत अहमद हैं, समीर अहमद राठर हैं, फेयरलेस ये भी हमारे साथ है, फेयरलेस जो बिल्कुल डरते नहीं हैं, और मकसद भी हमारे साथ हैं और साउथ कश्मीर इलियास एजाज भट्ट हैं और वारिस भी बोल रहे हैं कि
कुछ लिख रहे हैं, जावेद गुल हैं, मलिक जावेद हैं, इरशाद वानी है, वानी साहब है, और राशिद बेग हैं, शाहिद शोफी हैं, और बहुत सारे वो लोग हैं जिन लोगों के हमने कमेंट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं। आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में कमेंट्स आने की वजह से कुछ कमेंट्स हो सकता है हमसे छूट गए हों, तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। आशिक खान भी फिर मौजूद हैं, और भी बहुत सारे कमेंट्स लगातार कश्मीर घाटी से आ रहे हैं। चलिए, सबके कमेंट्स हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने आपको अपडेट दे दिया है कि पत्थरबाजों पर और देशद्रोही की घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उन पर नकेल कसने के लिए क्या नोटिस, तो एक्चुअली हमने जिस तरह से आपको पूरा अपडेट बता दिया है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं। बहुत सारे और जो लोग हमारे साथ हैं, चलिए उनके कमेंट पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अशरफ हमारे साथ हैं, वानी साहब हैं, आरिफ साहब हैं, लतीफ़ साहब हैं, और जितने भी लोग हैं वो अपने अपने अपडेट बता रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हालात है। पर आप ये बताइएगा कि फ़िलहाल क्या कुछ स्थिति है, जिस तरह से नोटिस सामने आया है तो उस पर आपकी क्या राय है। हम आपकी पर्सनल राय जानने के लिए आपको हमने आज लाइव सेशन में मौका दिया है, जहाँ पर आप बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्या सोचते हैं। राशिद बेग भी हमारे साथ हैं, और जितने लोग हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल अभी के सेशन में हमने आपको पूरा अपडेट बता दिया है, जो बाद में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना, किसी और नए अपडेट के साथ आप लोगों के साथ फिर से हम जुड़ेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।